उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। वलसाड जिले के आज मुंगाबाई हॉल में एग्जीबिशन सेल का आज उद्घाटन किया गया। सखी और रश्मि पारेख वैशाली प्रजापति ने मिलकर एक एग्जीबिशन कम सेल का उद्घाटन किया है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं के साथ साथ शहर की भी अनेक महिलाओं ने, अलग अलग शहरों की महिलाओं ने आकर यहाँ पे हिस्सा लिया और अपने अपने हस्तों से यानी हस्तकला से बना हुआ चीज वस्तुएं का आज यहाँ पे एग्जीबिशन और सेल का यानी बिक्री करने का भी आज आयोजन किया गया। ये एग्जीबिशन कम सेल आज और कल दो दिन तक चलेगा। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये एग्जीबिशन कम सेल दो दिन तक वलसाड के मोगाबाई हॉल स्टेडियम रोड में यहाँ पर रहेगा। महिलाएं घर पे रहकर अपनी प्रतिभाओं के बल पर हस्तकलाओं से बेहतरीन चीज वस्तुएं बनाती है और ऐसे हुनरबाज महिलाओं को, हुनरमंद महिलाओं को, वैशाली प्रजापति जैसे व्यक्तित्व ऐसी महिलाओं को चुनकर ढूंढकर लाती। उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। वैसे तो महिलाएं गृहिणी कहलाती है, हर काम में परिपूर्ण होती है, खाना बनाने से लेकर शादी के बाद, जैसे कि वो पत्नी बनने के बाद माँ बनती है, उसके बाद वो बच्चे को संभालने से लेकर खाना बनाने से लेकर रसोई घर से लेकर हर काम में परिपूर्ण होती है। लेकिन क्या औरत व्यवसाय के अंदर भी आके आगे आकर नाम अपना कमा सकती है? तो मैं कहूँगी बिल्कुल हाँ। ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई काम नहीं होगा जो महिलाएं नहीं कर सकती। हमारे वलसाड जिले के अंदर ही वैशाली जी है, रश्मि जी है, महिलाएं हर काम में परिपूर्ण हो सकती है। आइए बात करते हैं रश्मि पारेख जी, जिन्होंने आज एक सुंदर से एग्जीबिशन कम सेल वलसाड के मुंगाबाई हॉल में रखा है। जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं के शब्दों में कि किस प्रकार का एग्जीबिशन है, यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स, चीज वस्तुएं रखा गया है और कौन सी महिलाएं, किन किन शहरों से महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है, जानते हैं रश्मि जी के शब्दों से। यहाँ पे वापी, सूरत और बिलीमोरा, नवसारी से सब महिलाओं का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे इमिटेशन ज्वेलरी है, कुर्तीज है, डिजाइनर ब्लाउजेस है, बांधनी है, चनिया चोड़ी है और ब्यूटी प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक है और नेचुरल प्रोडक्ट है अने विविध प्रकार की बधी ज वस्तुओं है अने साथे एमा घरे थी जे महिलाओं काम करे छे, जे हस्तकला उद्योग चलावे छे, ए लोकोना पण अहींया बांबूनी फ्रेम छे, पछी પાપડ પાપડીનું છે। આઠ વર્ષથી કરું છું। તમારો અનુભવ શું કહે છે કે આપણા વલસાડની મહિલાઓ કેટલી પરિપક્વ છે આ વિષયમાં? બહુ જ પરિપક્વ છે અને બહુ જ બધાનો સપોર્ટ બી મળે છે। વલસાડની જનતા અને વલસાડની લેડીઝોનો પણ ખૂબ સારો સપોર્ટ છે આમાં। સંસ્કૃતિ પણ આમાં છલકાઈ રહ્યો છે। હા, ગુજરાતની સંસ્કૃતિ પણ છલકાઈ રહી છે, કેમ કે બધી જ વિવિધ જાતની બધી વેરાયટીઓ અહીંયા આવે છે, બધી વિવિધ શહેરોમાંથી અને ટ્રાઇબલ લેડીઝોને પણ અહીંયા ઘણા જોયા છે। હા, ટ્રાઇબલ પ્રોડક્ટ્સ પણ મેં જોયા છે, જેમ કે મેં બામ્બુનું કીધું ને, એટલે અમુક આર્ટ એટલા સુંદર મેં આર્ટ જોયા છે કે એ આર્ટ જોઈને એવું આપણને ફીલ થાય છે કે રિયલી આપણા વલસાડમાં ખાસા કલાકૃતિવાળા મહિલાઓ છે। હા હા, સાચી વાત છે। વૈશાલીબેન, તમે શું કહેવા માંગશો આ વિષય પર? ખૂબ જ સારો મારો અનુભવ છે, કારણ કે હું છેલ્લા લગભગ 16 વર્ષથી મહિલાઓ માટે કામ કરી રહી છું અને અમે મહિલાઓને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પર કામ કરતા હોઈએ છીએ। તે દરમિયાન જ્યારે અમારે માર્કેટિંગનો પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે તો એના સોલ્યુશન માટે અમારી પાસે રશ્મિબેન અને કીર્તિબેન જેવા બહેનોનો ખૂબ જ અદ્ભુત સહારો મળતો હોય છે અને અહીં અમે ખૂબ જ આભારી છીએ એમના કે આ ટાઈપના આયોજન એ લોકો કરે છે, જેના કરીને આજે બહેનોને માર્કેટિંગ પ્લેટફોર્મ સારી રીતના પૂરું પડાય છે। એનો અર્થ એ છે કે વૈશાલીબેન જો હે વો ઔરતો કે મહિલાઓ કે અંદર જો કલા હે, જો પ્રતિભા હે, વો ઉનકો ઉભર કર લાતી હે और मार्केट तक, बाजार तक पहुंचाने का काम रश्मि पारेख जैसी महिलाएं करती है। दोनों का मिलन इतना सुंदर है कि एक कला प्रतिभा को चुनकर लाती है और उनकी कलाओं को बाजार तक, लोगों तक पहुंचाने का काम रश्मि जी करती है। दोनों का समन्वय इतना खूबसूरत लगता है। एक महिला को सपोर्ट करती है तभी जाके एक कार्यक्रम एक सक्सेसफुल यानी कामयाब हो सकता है। आइए, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद है, आइए बात करते हैं वो इस आज एग्जीबिशन के लिए वो क्या कहना चाहते हैं। आइए। डॉक्टर नीलम टंडेल, रिद्धि सिद्धि, पलक क्लिनिक। તમારો કેવો અનુભવ છે આજના એક્ઝિબિશન નિમિત્તે? સારું છે, આ લોકોની ચોઈસ સારી રાખે છે, એટલે હું દર વખતે સખી એક્ઝિબિશનની વિઝિટ કરું છું, થેન્ક યુ, અને પરચેઝ બી કરું છું। ધન્યવાદ।
डॉक्टर साहब ने भी आज बोल दी सखी के द्वारा जो आज आयोजन किया गया, बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया गया है। इस प्रकार के महिलाएं हमारे साथ, एक और महिला जुड़ गई है, उनसे भी पूछते हैं कि वो किस अनुभव के, अपने अनुभव बताएंगी। बताइए, आपका पहले परिचय दे दीजिए। हाँ, वो कीर्ति पारेख छू, हूँ भी आ ऑर्गेनाइजर करूँ छू, बेन साथ रश्मि बेन ने कीर्ति बेन नु छे सखी एक्टिविशन ग्रुप। अमे आज छेल्ला 8 वर्ष थी करीए छे ने कायम अमारू सारू ज जाय छे, ने अमने स्टॉलवाळानो भी एटलो सरस सपोर्ट मळे छे के अमने भी सारू पड़े छे, एम के अमे एना ए लोकोना थ्रू भी अमे सपोर्ट थई करी सक सपोर्ट थी सक्सेस जईए छे। अपना भी बहुत सपोर्ट रहे छे, अमने बहुत ज सारा छे बधा ज स्टॉलवाळा अने अमारे बधा फेमिलियर छे। मोस्ट 8 साल से जुड़े हैं, आइए रश्मि जी के साथ जो जुड़े हैं, 8 सालों से जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, उनके अनुभव जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस सखी के द्वारा जो आयोजित किया गया एग्जीबिशन कम सेल है, उनके बारे में वो अपने शब्दों में क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। पहले तो तुम्हारा परिचय आप ही दे छू। हाँ, सेजल छाया वापी थी छू, मारी इंटर शॉप करीने शॉप छे, ड्रेस मटेरियल अने कुर्ती राखू छू। रश्मिबेन साथे हूँ 7 वर्ष थी जोड़ायेली छू अने खरेखर एकदम बहु व्यवस्थित लेडीज छे, शांत सरल અને બહુ સપોર્ટિવ અમને બધા, કેવો પ્રતિસાદ મળે છે? હા, અમને ખૂબ સરસ, આમની સાથે જ્યારથી જોડાયેલા છીએ ત્યારથી અમે લોકો દિવસે ને દિવસે ઘણું બધું આગળ વધી ગયા છીએ ખરેખર। વલસાડનો ફર્સ્ટ ટાઈમ એમણે અમારું જ એક્ઝિબિશન કર્યું હતું। જી જી જી, ફર્સ્ટ ટાઈમ અમારા જ એક્ઝિબિશનમાં આવ્યા હતા। જી હા, સ્ટાર્ટિંગ જ અમારાથી છે એમનું। બરાબર, પહેલાં અમે લોકો એક્ઝિબિશન કરતા જ નહીં, રશ્મિબેનનું અમે ફર્સ્ટ ટાઈમ એમની સાથે જ જોડાયેલા। એક્ઝિબિશન કરવાથી તમને શું લાગે છે, શું હેતુ હોવું જોઈએ, એક્ઝિબિશન કરવાથી શું ફાયદો મળે છે? એક્ઝિબિશન કરવાથી ઘણો બધો ફાયદો મળે છે, હા, લોકોને દૂર દૂરથી ખબર પડે, હા, નવું નવું લોકોને નવી વસ્તુઓ મળે છે અને અમે લોકો પણ દિવસે ને દિવસે આમાં ઘણું બધું આગળ આગળ વધારે છીએ। मैं ये कहना चाहूँगी, एग्जीबिशन का सबसे बड़ा परिसर ये होता है कि जो गांव में रहने वाली जो गृहिणी, जो महिलाएं होती है, जिसके पास कला, बहुत सारा कला उनके अंदर छुपा है, लेकिन उन कलाओं को मार्केट तक, बाजार तक, लोगों तक कैसे पहुँचाया जाएगा, तो एग्जीबिशन एकमात्र एक ऐसा सकारात्मक जरिया होता है, ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर जो घर पर, जो घर से बाहर निकल नहीं पाती जो महिलाएँ, जो औरतें, तो उनके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एग्जीबिशन कम सेल होता है कि वो अपने कलाओं के द्वारा, प्रतिभाओं के द्वारा हमारे यहाँ पे एग्जीबिशन के अंदर अपने स्टॉल रखती है और हर दुनिया के हर लोगों तक वो पहुँचाने का प्रयास करती है। और हम मीडिया वाले, हम यही प्रयास करते हैं कि ऐसे महिलाओं की प्रतिभाओं को आपके नज़रों के सामने रखें और आप सभी को उज्ज्वल भारत इसी प्रकार से नई नई चीज़ें के साथ आप तक पेश करता रहेगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, सीमा भट्टाचार्य, उज्ज्वल भारत न्यूज वलसाड़ से, साथ में कैमरामैन निकुंज के साथ, धन्यवाद। Come on.